तो बच्चों, अभी हम नीलकंठ कहानी को समझेंगे और पढ़ेंगे कि आखिर इस कहानी में ऐसा है क्या, किस लिए लेखिका ने एक मोर के ऊपर इस कहानी को लिखा है, हम इसी के बारे में और पढ़ेंगे। एक दिन लेखिका के घर कुछ मेहमान आए थे। उन मेहमानों को छोड़ने के लिए लेखिका स्टेशन गई थी। जैसे ही वो स्टेशन से घर की तरफ लौट रही थी, तब उनकी गाड़ी बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान से गुजर रही थी। जैसे ही लेखिका दुकान के पास पहुंची थी, उन्होंने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और फिर वो गाड़ी से उतरकर चिड़िया वाले के पास जाने लगी। जैसे ही बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने लेखिका को देखा, वो उन्हें गुरुजी कहकर बुलाने लगे। गुरुजी, कुछ दिन पहले आपने मोर के बच्चे मंगवाए थे ना, तो एक चिड़िया मारने वाला चिड़ीमार कुछ दिन पहले मेरे यहाँ दो मोर के बच्चे रख कर गया। पता है, बहुत सारे लोग मोर के पंजों से दवाई बनाते हैं और वो मेरे यहाँ मोर के बच्चे खरीदने भी चाहते हैं, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। इतने सुंदर मोर को कोई मारकर उससे दवाई बनाएगा, अच्छा लगता है क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं, ये मोर के बच्चे तो मेरे गुरुजी के लिए हैं। उसके बाद लेखिका ने बड़े मियाँ चिड़िया वाले को 35 रुपये दिया, यानी ₹35। ठीक है, बड़े मियाँ चिड़िया वाले को 35 रुपये देकर उस मोर के बच्चे को खरीद लिया और गाड़ी में बिठाकर अपने साथ घर ले गई। जैसे ही लेखिका मोर के बच्चों को अपने साथ घर लेकर गई, उनके घर वाले उनसे कहने लगे, अरे उस चिड़िया वाले ने तुम्हें ठग लिया है, ये मोर के बच्चे नहीं, ये तो तीतर के बच्चे हैं। ये सुनकर लेखिका थोड़ा गुस्सा हो गई, वो चिढ़ गई और पक्षियों को अपने पढ़ने के कमरे में ले गई। तो बच्चों, जो तीतर होता है ना, तीतर पक्षी, वो कुछ इस तरह दिखने में होता है। लेखिका ने मोर के बच्चों का पालन पोषण अपने पढ़ाई वाले कमरे पर किया। वहीं पे लेखिका उन्हें पीने के लिए पानी देती थी और खाने के लिए सत्तू देती थी। तो चने को पीस कर हम सत्तू बनाते हैं। तो मोर के बच्चे धीरे धीरे बदमाश हो रहे थे। कभी वो लेखिका के पढ़ाई वाले टेबल के नीचे चले जाते थे, तो कभी कभी लेखिका जिस जगह पर अपने कागज़ों को रखती थी, मोर के बच्चे उसे अपना घर बना लेते थे। लेखिका हमेशा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखती थी, क्योंकि लेखिका के घर में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम है चित्रा। तो चित्रा उन मोर के बच्चों के ऊपर प्रहार कर सकती थी। इसी डर के वजह से लेखिका अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखती थी। कभी कभी तो मोर के बच्चे टेबल के ऊपर चढ़ जाते थे, जहाँ लेखिका अपनी पढ़ाई और लिखने का काम करती थी। इस तरह मोर के बच्चों ने लेखिका को बहुत सताया। फिर धीरे धीरे करके मोर के बच्चे बड़े होने लगे। फिर लेखिका ने ये निर्णय लिया कि वो मोर के बच्चों को जाली घर में रखेगी, जहाँ और अन्य जीव जंतुए रहते हैं। तो उस जाली घर यानी चिड़िया घर में लेखिका ने और भी दूसरे जीव जंतुओं को रखा था, जैसे लक्का कबूतर जो हरदम नाश्ता रहता था और गुटुरगू गुटुरगू करता था। वहाँ पे छोटे छोटे खरगोश भी रहते थे और एक प्यारा सा तोता भी रहता था। तो बच्चों, अब मोर और मोरनी जाली घर में रहने लगे। अब इनकी आगे की ज़िंदगी कैसे होती है, अभी हम इसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, जब भी किसी परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ता है, तो परिवार में कैसी खुशी की लहर दौड़ती है ना, तो उसी तरह जाली घर में भी कुछ इसी तरह की परिस्थिति थी। मोर और मोरनी अन्य पशु पक्षियों की तरह उस जाली घर में खुशी से रहने लगे। जाली घर में रहने वाले हर जीव जंतुओं के ऊपर लेखिका हमेशा अच्छे से ध्यान देती थी, और इसी तरह लेखिका ने अपने आँखों के सामने उन मोर और मोरनी के जोड़े को बड़े होते हुए देख पा रही थी। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े हो गए। जो मोर था वो बहुत ही सुंदर तरीके से बड़ा हो रहा था, उसका विकास बहुत ही सुंदर तरीके से हो रहा था। नीली गर्दन होने के वजह से लेखिका ने मोर का नाम नीलकंठ रखा। तो नीलकंठ हम भगवान शिव जी को कहते हैं ना, क्योंकि भगवान शिव जी की गर्दन नीले रंग की होती है। तो मोर का भी जो गर्दन था वो नीले रंग का था, इसलिए इसका नाम नीलकंठ रखा। जो मोर के सर के ऊपर देखो, उसे कलगी कहते हैं। ठीक है, तो मोर की कलगी भी बहुत सुंदर और चमकीली थी। तो
मोर जो था वो बहुत ही सुंदर था। वैसे ही जो मोरनी थी उसका विकास मोर की तरह तो नहीं था, पर वो फिर भी सुंदर ही थी। तो मोरनी हमेशा मोर के साए में रहती थी, नीलकंठ के साए में, इसलिए लेखिका ने मोरनी का नाम राधा रखा। तो नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था। सभी जो जीव जंतु थे ना वो हमेशा मोर की देखरेख में काम करते थे, ठीक है। तो जब भी कोई पक्षी या फिर जीव जंतु मोर की बात नहीं मानता था तो मोर उसे चोंच से प्रहार कर दंड देता था। या फोटो में देखो मोर ने कैसे अपने चोंच से उस खरगोश के बच्चे को पकड़ के रखा है ना, तो जो उसकी बात नहीं मानता था मोर उसे ऐसे ही दंड देता था। मोर सब पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। एक बार एक सांप जाली घर के अंदर घुस आया और उसने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। तो खरगोश के बच्चे ने मदद के लिए वो क्या कर रहा था, धीमी आवाज़ में सबको बुला रहा था। तो उस सांप ने खरगोश को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया था और खरगोश मदद के लिए चिल्ला रहा था। तो जैसे ही नीलकंठ के कानों में खरगोश की आवाज़ पड़ी तो वो भाग कर आया और सांप के फन को पंजे में दबोचा और अपने चोट से उस सांप के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। नीलकंठ की मदद से खरगोश का बच्चा सांप के मुख से निकल गया और नीलकंठ ने सांप के टुकड़े कर दिए। राधा ने भले ही कोई सहायता नहीं की लेकिन उसने अपनी आवाज़ से जाली घर में रहने वाले हर जीव जंतुओं को इस घटना की सूचना दी। जैसे ही लेखिका ने मोर के इस रूप को देखा, लेखिका को समझ में आ गया कि मोर भी एक वीर पक्षी है। भले ही उसने सांप के ऊपर आक्रमण किया हो लेकिन वो चील और बाज की तरह हिंसक पक्षी नहीं है, बल्कि वो तो एक कलाप्रिय वीर पक्षी है। और शायद इसी वजह से भगवान कार्तिकेय ने मोर के इस रूप और स्वभाव को देखकर ही अपने युद्ध के लिए मोर को ही अपना वाहन चुना है। लेखिका के घर कभी कभी विदेश से भी मेहमान आते थे और वो लोग चिड़ियाघर का दर्शन ज़रूर करते थे। नीलकंठ के रूप, स्वभाव और सुंदरता को देखकर कुछ विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ का नाम परफेक्ट जेंटलमैन रखा था। राधा और नीलकंठ को वर्षा ऋतु अधिक प्रिय था। बादलों को देखकर नीलकंठ हमेशा अपने पंखों को मंडलाकर एक ताल में वो नाचने लगता था और राधा उसकी तरह नाच तो नहीं सकती थी परंतु उसके चारों ओर घूमकर नीलकंठ का साथ अवश्य देती थी। नीलकंठ को फलों के वृक्षों से ज़्यादा हमेशा पुष्पित और पल्लवित वृक्ष से ज़्यादा प्रेम था, अर्थात नीलकंठ को हमेशा वो वृक्ष अच्छे लगते थे जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हों। उसे फलों के वृक्ष से ज़्यादा उन फूलों वाले वृक्ष से अधिक प्रेम था। तो जब भी आकाश में बादल छाने लगती थी और वर्षा शुरू हो जाती थी, नीलकंठ और राधा दोनों एक साथ नृत्य करते थे। तो जब भी नीलकंठ अपने पंखों को दाएं तरफ हिलाता था, राधा भी अपने पंखों को दाएं तरफ हिलाती थी। तो इसी तरह राधा मोर के साथ ताल मिलाकर नृत्य करती थी। तो नीलकंठ और राधा जाली घर में एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम ही करते थे। लेकिन इसके बाद इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे इन दोनों को बहुत दुख मिलती है। तो बच्चों, अब आने वाले समय में नीलकंठ और राधा के जीवन में क्या क्या होने वाला है इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ अभी तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।